नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। किसी भी चीज से बढ़कर है तिरंगे का सम्मान, हार जीत से भी बढ़कर है तिरंगे का मान। अब तिरंगे का वही मान सम्मान एशिया कप में चरम पर होगा, क्योंकि रोहित शर्मा ने एशिया कप के प्रोमो में जो कुछ कहा है वो जोश और जुनून जगाने वाला है। जी हाँ, टीम इंडिया का जोश इस बार तिरंगा लहराकर बढ़ाया जा रहा है। 27 अगस्त से एशिया कप शुरू होने जा रहा और 28 अगस्त को दुनिया की दो सबसे चिर प्रतिद्वंदी टीमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इस सबसे बड़े मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी से इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इन्हीं कयासों के बीच स्टार स्पोर्ट्स ने एशिया कप के लिए टीम इंडिया का प्रोमो जारी किया। इस प्रोमो में कप्तान रोहित शर्मा दिखाई दे रहे हैं। वो स्टेडियम में घूम घूम कर कुछ लाइनें बोल रहे हैं। इस प्रोमो की पंच लाइन है, फिर से तिरंगा लहराते हैं। इन पंक्तियों में रोहित कहते हैं, 7 बार एशिया कप उठाना, दुनिया की नंबर एक टीम कहलाना, नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना, लेकिन इन सब में वो गर्व कहां जो 140 करोड़ इंडियन फैंस के मुंह से ये सुनने में है, इंडिया इंडिया। तो आओ इसी प्राइड के दम पर हम दुनिया पर छाते हैं, पर उससे पहले एशिया पर फिर से तिरंगा लहराते हैं। इस प्राइड के लिए थैंक यू इंडिया। रोहित शर्मा का ये प्रोमो जो देखेगा उसके अंदर जोश भर जाएगा। वैसे भी भारत पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होते हैं तो वो किसी जंग से कम नहीं होते, और इसी जंग रूपी क्रिकेट में स्टार स्पोर्ट्स ने तिरंगा की भावुकता को जोड़ दिया। आपको बता दें कि एशिया कप इस बार दुबई में होने जा रहा। पहले एशिया कप श्रीलंका में होना था, लेकिन वहां राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे दुबई शिफ्ट किया गया।